ये क्या दे रहा है बेगर। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को एक अलग तरह का चीज दिखाने वाला हूं मैं अपने चैनल पे। आप थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे मैं किस चीज के बात कर रहा हूं। जी हां, ये चीज हमारे बिहार और यूपी झारखंड में बहुत ही ज्यादा फेमस है। इस चीज के बिना हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं। तो ये चीज का नाम है लिट्टी चोखा। मैं आज स्पेशली ये दुकान इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि इसकी लिट्टी चोखा में एक खासियत है। ये क्या खासियत है ये जानने के लिए बने रहिए। पहले चलिए इनको ऑनर से देखता हूँ, पूछता हूँ इनका एड्रेस क्या है और ये क्या बोलते हैं। लिट्टी चोखा दुकान सरायडेला धनबाद, जो सरायडेला धनबाद में है झारखंड। आप लोग भी आए यहाँ लिट्टी सेवा हम लोग का लिए। एड्रेस सुन के आप लोगों को पता ही चल गया होगा ये कहाँ पर है। ये झारखंड में है। अब मैं एक एक करके इसकी खासियत बता रहा हूँ क्यों ये लिट्टी चोखा खासियत है। एक तो ये अपने लिट्टी के साथ, लिट्टी और चोखा छोड़ के ये 7 और 8 प्रकार का चटनी आपको देगा। ये सारे चटनी ये इसके ऑनर के खुद घर में बनाते हैं, उसके बाद ये कस्टमर को देते हैं। ये इसकी एक खासियत है। मैं एक एक करके बहुत सारे खासियत बताऊंगा इन सब को। और ये जो लिट्टी का आप साइज देख रहे हो ये जंबो लिट्टी साइज है। ये नॉर्मल लिट्टी 3 लिट्टी मिला के जितना बड़ा होगा इसका 1 लिट्टी उतना बड़ा होता है। इस ये लिट्टी इतना बड़ा होता है कि आप शायद एक भी पूरा ना खा पाओ। ये यहीं पर बनाता है, आपके सामने बना के देगा लिट्टी और आपके सामने वो बेक करके देगा। बेक करके का हिंदी क्या बोलता है, बेक करके देगा। ये देखिए आपके सामने ये लिट्टी बना रहा है और ये लिट्टी फिर आग में डाल के फिर वो बनाएगा लिट्टी। एक एक लिट्टी का आप खाली साइज देखिए, इतना बड़ा लिट्टी है, शायद आप एक भी पूरा ना खा पाओ। ये यदि आप घी में तले हुए लोग हैं तो प्रॉपर इस तरह से घी में तल के आपको देगा। अब इसका साइज ही आप अंदाजा लगा सकते हो कितने बड़े बड़े साइज है। घी में तलने के बाद आपको प्रॉपर 7 या 8 टाइप का चटनी देगा, उसके बाद चोखा देगा, ये सब आपको देगा। ये एक्चुअली मेरे घर के लिए मैं पैक करा रहा था। मैंने 5 लिट्टी लिया था, 5 में से 3 लिट्टी शायद हम लोग खा पाए थे, बाद बाकी दोनों खा नहीं पाए थे, इतने बड़े बड़े थे। और ये देखिए ये प्रॉपर पैक करेगा फॉइल पेपर पे, उसके बाद ये और एक चटनी के लिए और एक फॉइल पेपर में सारे चटनी आपको देगा और चोखा भी देगा। अब बात करते हैं ये दुकान का नाम क्या है। मैं बातों बातों में दुकान का नाम बताना ही भूल गया। ये दुकान का नाम है ABC लिट्टी चोखा, जो सरायढेला में है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, इस दुकान में प्रॉपर हाइजीनिक मेंटेन करके रखा हुआ है। आप देख रहे हैं रोड के साइड में होते हुए भी ये अपने दुकान को चारों तरफ से मोटा पॉलीथीन से ढक के रखा है क्योंकि बाहर का धूल मिट्टी इसमें ना आ सके, इसलिए प्रॉपर हाइजीनिक भी मेंटेन करके रखा है इन्होंने। लिट्टी का साइज देख के आपको एक बार तो मन करेगा ही करेगा कि एक बार एक लिट्टी मैं खा के देखूं कैसा लगता है। तो आप बात करते हैं इसके प्राइस की। ये लिट्टी जैसे जम्बो साइज है, इसका प्राइस भी उतना जम्बो नहीं है, जेब उतना ढीला नहीं करेगा। तो बात करते हैं एक लिट्टी के प्राइस की। इसमें एक लिट्टी का जो प्राइस है वो 35 रुपीज़ है। ये देखिए सादा लिट्टी एक पीस 35 रुपीज़ और घी लिट्टी एक पीस 35 रुपीज़। तो आज ये लिट्टी के बारे में मैं बताया क्योंकि ये लिट्टी एक बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ चीज़ सेल करता है कस्टमर को। इसमें बहुत सारे कस्टमर खड़े भी रहते हैं इस लिट्टी को खाने के लिए। यदि आप कभी इस रोड से गुजर रहे हो तो आप एक बार इस दुकान में रोक के लिट्टी चोखा जरूर ट्राई करना, देखना आपको ये अच्छा ही लगा होगा। ये जम्बो साइज लिट्टी। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।